तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको बताएंगे आप अपने दोस्तों अपने राशन कार्ड के अंदर कुछ भी आपने अपडेट किया हो, जैसे कि आप अपने किसी का नाम जुड़वाए हैं या मतलब उसमें आप किसी का नाम कटवाए हैं या कोई भी अपडेट किए हैं, या तो आप नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं और चाहते हैं कि आप अपना नया राशन कार्ड आपका बना हुआ या नहीं बना हुआ उसको आपका कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे आप अपना नया वाला राशन कार्ड किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को इस वेबसाइट पर आप लोग को चली आनी होगी, जिसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो आप लोग इस वेबसाइट पर वहाँ से चले आइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देखिए किस प्रकार से डाउनलोड करनी है वो सभी अपडेट आप लोग को जो कि यहाँ पर इस पोस्ट के माध्यम से आप लोग को दी गई है। एंड आप लोग को यहाँ पर आइएगा, देखने को मिलेगा आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक, डायरेक्ट लिंक। तो आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका लिंक हम आपको वीडियो के नीचे दे दिए हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपको इस पर क्लिक करके आप लोग को थोड़ा वेट करनी है। सो वेट करने के बाद आपके सामने जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो फाइनली यहाँ पर देख लीजिए आप लोग के सामने देखने को मिल रही है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड दोस्तों आप सबको आना होगा और यहाँ पर आपको देखने को दोस्तों मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे RCMS रिपोर्ट, आपको इसके ऊपर दोस्तों क्लिक कीजिएगा। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आप लोग के सामने है कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो चलिए हम आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अपने डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पर आप लोग उस पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। चलिएगा इसमें अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलता हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सो वेट कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर शो वाले पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आप सबके सामने जो मतलब कुछ इस प्रकार के जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिले, एक मिलेगी रूलर, दूसरा मिलेगी अनरूलर का। तो आपको क्या करना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको रूलर पे क्लिक करना है, यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए फाइनली मैं यहाँ पर जो मैं अपना रूलर पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद जो आप लोग के सामने आपकी जो ब्लॉक है वो ब्लॉक की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको अपने जिस भी ब्लॉक में आप लोग आपका ब्लॉक पड़ता है ना आप उस ब्लॉक पर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए फाइनली मैं अपने ब्लॉक पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। और उस ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद आपको पंचायत दोस्तों होती है वो पंचायत आप किस पंचायत में आप रहते हैं उस पंचायत को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। चलिए दोस्तों मैं अपने यहाँ पे पंचायत को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले आप लोग यहाँ पे ऐसे जो कीजिएगा, उसके बाद आपका विलेज आएगा लास्ट में, आप किस गाँव से बिलोंग करते हैं उस गाँव पर आपको क्लिक करना है फटाफट, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सो वेट कीजिएगा। और सो वेट करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा नीचे जाएगा देख लीजिए आपका सभी जगह से राशन कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिस्ट। और यहाँ पर जो गैस आपका नाम और आपका कितना मेंबर्स है वो सभी, आपका डीलर कौन है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके दोस्तों आप अपने राशन कार्ड को जो कि बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आइएगा और इसके बाद देखिए आपको गैस यहाँ पे जो लिस्ट है आपको ये आपका जो गैस राशन कार्ड का ये नंबर है, आगे आपको नाम देखने को मिलेगा यहाँ पर उसका जो मतलब ऐसे देखने को मिलेगा कितना मेंबर्स है और उसका डीलर कौन है ये आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यदि आपको इस प्रकार से जो कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर डाउनलोड दोस्तों कर लेनी होगी बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए किसी एक राशन कार्ड को दोस्तों हम यहाँ पर आप लोग को ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पर दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करके और आप लोग यहाँ पर दोस्तों देखते थे किस प्रकार से आप अपने राशन कार्ड को जो कि दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू गाइज़।